फुली। पहले ट्रैक्टर जोता था, देखो आप छोटा ट्रैक्टर, फारे इतने नीचे जाते थे, जोतता था तो गांव बोलता था यार पूरी मट्टी उखाड़ दी, आया ना यस। अब हाथी जैसा ट्रैक्टर 65 हॉर्स पावर, धुआं फेंक रहा है, जो जोतवाने ले गया है किसान और जो जोतने गया है, दोनों में लड़ाई होती है 1 घंटा। वो मैल पे बैठा रहता है ना, बोलता फारे लगा क्यों नहीं रहा नीचे, चलाने वाले को तो जा ही नहीं रहे नीचे, मैं क्या करूं। सर अगर ये बोतल डाल दी ना एक पर, ट्रैक्टर चलता है जैसे मलाई पे चल रहा है, ना तो डीजल फूकता ना इंजन घिसता। ऑक्सीजन जाएगी नीचे 1.5 फुट तक, जड़ों के विकास के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अल्ट्रावायलेट रेज जाएंगी नीचे तक, शत्रु कीटों का नाश करती है अल्ट्रावायलेट रेज, जिसके लिए तुम जहर डाल रहे हो तो आप ईश्वर करेगा। पहले कहा होते थे कीड़े, होते नहीं थे, क्योंकि अप्रैल मई में खेत को खोल के छोड़ देते थे, तो अपने आप अल्ट्रावायलेट रेज उन्हें मारती थी। तो ये वही काम करता है डीएपी का बाप है सर। उसके बाद में हम लगाते हैं यूरिया। ये यूरिया होता क्या है आप बताओ सर, नए कौन कौन लोग हैं जो पहली बार आए हैं आज, पहली बार। चलो आप किसान की बेटी है क्या मैडम जी, या नहीं बेटी बहू बेटी कुछ भी है या नहीं? यूरिया क्या होता है सर, सीधा सीधा बात करते हैं। नाइट्रोजन हाँ या ना, कितने प्रतिशत? 40 लिखा हुआ है बोरी पे। एटमोसफेयर में कितनी है? 78.2। यानी ईश्वर ने मुफ्त में दे रखी है 78%, हम खरीद के ला रहे हैं 40%। कितना विद्वान है किसान, कितना विद्वान है बोलता क्या बच्चे से, हमने दुनिया देखी है, इसीलिए 40% 300 रुपए दे के लाता हूं, हमें 78% नजर ही नहीं आती, इतना विद्वान है। अब ये क्या है, ये जो है फर्मेंटेशन ऑफ मैरिन एल्गी। मैरिन बोलते हैं समुद्र को, एल्गी बोलते हैं काई को, यानी जो काई है उसका फर्मेंटेशन करके इसको बनाया गया। इसमें डाला गया सर जी गिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड, मल्टी विटामिन, मल्टी न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को और इंसानों को होती है वो सारे इसमें डाले गए। फॉलिक एसिड की एक खासियत है, जो आंगनवाड़ी वाली महिलाएं और डॉक्टर्स आयरन की फॉलिक एसिड की गोलियां देती हैं गर्भवती महिलाओं को, जिससे बच्चे का विकास दिमाग का अच्छा हो और वो शरीर में उसके में गर्भपात ना कर जाए। पौधे का भी गर्भपात होता है, जानते हो क्या नहीं जानते? तोरई बनने से पहले फूल झड़ गया, अनार बनने से पहले फूल झड़ गया, समझ रहे हो? यानी फूल मैच्योर्ड नहीं हुआ, बीच में झड़ गया तो आपका उत्पादन कम हो गया, उसको बोलते हैं पौधे का गर्भपात। ये उसे रोकता है।